Hey guys, welcome to my new vlog, जय श्री कृष्णा। आज के व्लॉग की शुरुआत तो हो रही है नीचे से, क्योंकि अभी मैं मेरे को घर पे तो कंटाला आ रहा था और अभी 10 बजे। आज तो मैं जल्दी रेडी हो गया था, क्योंकि सुबह जल्दी नींद उड़ गई तो फिर दोपहर तक का टाइम भी निकालना मुश्किल हो जाता है। वरना तो क्या होता है, 9:30 बजे तक मस्त से सोते, फिर 11 बजे तक रेडी वेडी होकर बैठते, तब तक मैं क्या है थोड़ा दोपहर हो जाती है तो सुबह का टाइम निकालना ईजी हो जाता है। लेकिन आज नींद भी जल्दी खुल गई थी तो कंटाल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे जाते हैं, मस्त से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो यहाँ पे सारे पूरे इधर से उधर हो रहे और यहाँ पे मस्त से हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे चलते हैं। बच्चे लोग तो नहीं खेल रहे, दो एक दादी यहाँ पे बैठे और दो बच्चे उनके साथ खेल रहे। बाकी तो पूरा खाली है, सन्नाटा है। देखो मेरे को लगा था कि सबके वैकेशन हो गया होगा, लेकिन अभी कुछ नया सिस्टम आया ना कि पहले एक वीक का वैकेशन देते हैं, फिर एक डेढ़ महीना शुरू रखते हैं, फिर वापस से एक महीने का वैकेशन देते हैं, वैसा है। तो शायद से अभी फिर से सब लोग को शुरू हो गया है, लेकिन मेरा तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो शुरू होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि देरी इतनी लगती है रिजल्ट आने में ही, तो क्या करें। बाकी आज तो देखो हवा एकदम मस्त चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है आज पूरे दिन गर्मी ही नहीं होगी, एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो मुंह में लॉलीपॉप वाले से हाथ दोनों ऊपर झूलने बैठ गया। तो गाइस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, ये देखो रुको मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं 2:30 बज रहे सॉरी। और यहाँ से इतनी मस्त हवा आ रही है ना, यहाँ पे बिना पंखे के बैठे हम लोग, है ना आंटी, मजा आ रहा है ना, बराबर आ रहे हो ना फ्रेम में, मेरे को पता नहीं है, बराबर बराबर ना। और मम्मी यहाँ पे बैठे और सीरियल चल रही है और मैं अपना फोन देख रहा था, लेकिन हवा इतनी मस्त आ रही थी ना, मैंने सोचा कि चलो आपके आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे कितनी ज्यादा हवा आती है। सारे पेड़ पौधे भी ऐसे 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 हो जाते हैं पूरे, आंटी ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आंटी को भी पौधों के जैसे पूरा घूमड़ देने का, वही तो पत्ता पौधा नहीं, लो लो हिला दिया, लो चैलेंज नहीं करने का मेरे को आपको हिला दिया ना, बस अभी देखा देखा अभी ऐसा करेंगे। चलो अभी तो मस्त है, हवा का मजे लेते हैं और दोपहर के बीच में बिना पंखे के वो भी, क्योंकि आपके घर पे ऐसा हवा आती है दोपहर के बीच में, वो भी ठंडी ठंडी, गर्म नहीं ठंडी, तो कमेंट में बताना बराबर ना, मेरे घर पे आती है तो कर देना कमेंट में। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे मम्मी और आंटी दोनों बहुत ही सारा कचरा फैलाने के लिए बैठे हैं, इतना सारा कचरा आंटी कचरा तो आपका हाथ ये बिगाड़ देना है शाम तक, आंटी का पेड़ तो बिगड़ गया, मतलब आंटी सोते हैं तो फोटो अपडेट होता है आंटी के बॉडी में, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है जब उठते हैं ना तब, है ना। तो आज तो मम्मी और आंटी दो में से एक या दोनों साथ में मिलके बनाने वाले फ्रेंकी, तो वो भी दिखाएंगे, है ना आंटी। 2 hours later तो गाइस अभी यहाँ पे देखो मम्मी ने फ्रेंकी बनाना शुरू कर दिया। मम्मी ये क्या है, इसमें क्या क्या डाला है, मतलब आंटी क्या डाला है इसमें, सब कुछ शेजवान सॉस, टोमेटो केचप और हरी मिर्च की पेस्ट। ये सबसे पहले रोटियों के ऊपर जा रहा है, और अब ये डाल दिया आंटी ने पोटैटो का रोल। आंटी ये मसाले में आपने क्या क्या डाला आप ये बताओ, आमचूर जली हुई उंगली मसाला, आमचूर, फेंकी का मसाला, लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च भूल गए नहीं लग, अच्छा बोलना भूल गए। आंटी ने ये पोटैटो का मसाला और साथ में अनियन, आंटी ये पोटैटो के मसाले में क्या डाला, पोटैटो के मसाले में क्या डाला, आपको भी ऐसे मतलब सर पे ऐसे गन रख के बुलवाना पड़ेगा, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर,
इतना डाला और ये केबेज और ये फिर से थोड़ा सा ऊपर मसाला, ये कौन सा फ्रेंकी अमचूर और चाट मसाला। ठीक है, अब इसको रोल करोगे? नहीं, चीज बाकी रह गया, मेन चीज। चीज खा खा के बदुड़िया जैसा होना है, क्या करे। नहीं है, वही तो बड़ी दिक्कत है, घर पे कंटालने का अलावा और कुछ काम ही नहीं है। ये अब जाएगा इधर, ये फ्रेंकी आ गई तवे पे, अभी मस्त से तलोगे आंटी इसको, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, तो थोड़ी थोड़ी वो सेकनी है, थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना है, सब ब्राउन हो जाए ना उतना। जल्दी आंटी जल्दी, और रेडी करो हम लोग को खाने के लिए, दे दो। एक एक तो खिला दी। हाँ, एक एक तो खा लिया, लेकिन बाकी सब लोग लाइन में ही बैठे हैं। चलो जल्दी, हाथ चलाओ जल्दी। तो गैस, काफी टाइम के बाद आज तो मम्मी ने बनाई थी फ्रेंकी, तो मेरे को तो बहुत मजा आखा के, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मतलब मैंने सारा ऑलमोस्ट रेसिपी शेयर करी दी थी, मेरे को तो बहुत मजा आया क्योंकि काफी टाइम के बाद खाया था, और बाहर की भी ज्यादा कुछ खानी होती नहीं है तो, क्योंकि मम्मी बनाते हैं, कभी कभी के जगह मम्मी हो गया, थोड़ा बोबड़ा आ गया। कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।